हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू निर्मलास किचन। आज हम बनाएंगे ऑथेंटिक गोवन रेसिपी पातड़ भाजी। इसको ब्रेकफास्ट में बनाया जाता है और खाने में बहुत टेस्टी लगती है। इसे पाव और पूरी के साथ खाया जाता है। सफ़ेद चने को मैंने रात को भिगो के रखा था और बाद में मैंने इसमें पोटैटो के पीसेस डाल के गैस के ऊपर मैंने बॉईल करके लिया है। अगर आपको कुकर में करना है तो एक सीटी आप कीजिए, ज़्यादा नहीं करना है, उसे ओवर कुक नहीं करना है। चने ऐसे ही दिखने चाहिए और पकने भी चाहिए। देखिए, इस तरह से आप चेक करके भी देख लीजिए और खा के भी देख सकते हैं। मसाले के लिए मैंने लिया है लविंग लिया है 5, ब्लैक पेपर लिए हैं 7-8, तर्ज और एक मिर्ची डाल रही हूँ। मैं मसाला डालने वाली हूँ, लाल मिर्ची पाउडर। इसमें आप थोड़ा सा तेल डालें और रोस्ट करके लेना है हमें अच्छे से। अब हम इसको निकालेंगे। धनिया लिया है 1 टेबल स्पून, जीरा 1 टीस्पून और सौंफ अच्छे से रोस्ट करके लेंगे। इसमें ज़्यादा तेल की ज़रूरत नहीं होती है। अब हम निकालेंगे। अभी हम ऑनियन को रोस्ट करेंगे। 1 ऑनियन लिया है, ऑनियन रोस्ट हो गया है। अब हम प्लेट में निकालेंगे। अब हम लहसुन और अदरक को भी रोस्ट करेंगे। लहसुन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं बनाना है तो हमें कम डालना है। अब हम निकालेंगे डिश में। अभी हमें नारियल को भी रोस्ट करके लेना है। हमें फ्रेश नारियल यूज़ करना है। इसमें 1/2 नारियल लिया है मैंने, छोटा वाला। ये भी रोस्ट हो गया है। मैं गैस बंद कर रही हूँ। इस प्लेट में डालेंगे। सब मसाला हम ठंडा होने देंगे और उसमें हम इमली और चावल, कच्चे चावल ऐड करेंगे। कच्चे चावल से हमारी पेस्ट थिक बनेगी। कच्चे चावल डाल रही हूँ और इमली डाल रही हूँ। अगर आपको इमली यूज़ नहीं करनी है तो आप टमाटो भी डाल सकते हैं। और ये धनिया भी हमने जो मिक्स रोस्ट किया था वो भी ऐड कर रही हूँ मैं। अभी हम इसको ठंडा होने के बाद मिक्सचर में बारीक पेस्ट बना के लेंगे। फ्रेंड्स, मैंने सब मसाला इसमें मिक्सचर के बर्तन में डाल दिया है। अब हम उसमें हल्दी पाउडर डालेंगे। हल्दी पाउडर बहुत कम डालना है हमें। एक कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर है। आप चाहे तो सिर्फ मिर्ची को भी रोस्ट करके डाल सकते हैं, पर मैं डाल रही हूँ लाल मिर्ची पाउडर। हमने बारीक पेस्ट करके लिया है। मैंने तेल गरम करने के लिए रखा है। 1 टेबल स्पून मैंने तेल लिया है। आप ज़्यादा कम डाल सकते हैं, पर इस सब्ज़ी में ज़्यादा तेल नहीं होता है। हम राई डालेंगे, जीरा डालेंगे, कड़ी पत्ता, 3 चीज़ डालेंगे, ज़्यादा नहीं, और पेस्ट डाल देंगे। अब हम इसमें चने और पोटैटो डालेंगे। ये सब्ज़ी आप सिर्फ सफ़ेद चने डाल के भी बना सकते हो या तो सिर्फ पोटैटो डाल के बना सकते हैं। फ्रेंड्स, गोवा में ये डिश बहुत ही फेमस है। इस सब्ज़ी को ब्रेकफास्ट में बनाया जाता है। ब्रेड और पूरी के साथ खाई जाती है ये सब्ज़ी। और हमारे घर में दोपहर को लंच में भी हम खाते हैं राइस के साथ। बहुत ही टेस्टी लगता है। अब हम इसमें थोड़ा सा गुड़ डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालना है हमें। अब हम नमक डालेंगे। ये सब्ज़ी अगर आपको पाव पूरी के साथ खानी है तो थोड़ी थिक रखिए, और अगर राइस के साथ खानी है तो थोड़ा आप ग्रेवी पतली भी रख सकते हो। मैं जब भी राइस के साथ खाने के लिए बनाती हूँ तभी मैं इसमें तिरफड़ा भी डालती हूँ, जो टेस्ट बहुत अच्छा आता है। आपको चाहिए तो तिरफड़ा भी डाल सकते हो। अब हम इसको बॉईल होने देंगे।
ये देखिए बहुत ही टेस्टी है, आप भी ज़रूर बनाइए। सब्ज़ी बन गई है, मैं गैस बंद कर रही हूँ। फ्रेंड्स, गोवन रेसिपी पातर भाजी रेडी है, बहुत टेस्टी है। आप इसे घर पर बनाइए और टेस्ट कीजिए। अगर मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट देना ना भूलिए, और मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।